तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों जहां पर पहली बड़ी खबर जान लेते हैं, किसानों के निशाने पर है मानसून सत्र, 22 जुलाई को किसानों का जत्था करेगा संसद कूच, 17 को सांसदों के आवास पर प्रदर्शन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलबीर सिंह राजीवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, 17 जुलाई को विपक्षी दलों को एक चेतावनी पत्र देंगे कि संसद में चुप्पी तोड़ो या फिर कुर्सी छोड़ो। भाजपा व सहयोगी दलों के यहां पर प्रदर्शन होंगे और विपक्षियों को चेतावनी पत्र देंगे। उसके बाद 19 जुलाई को संसद सत्र शुरू होगा तो 20 व 21 को छुट्टी है। 22 जुलाई को सभी संगठनों के 5-5 पदाधिकारियों का एक जत्था संसद जाएगा, ये सभी कुंडली बॉर्डर से रवाना होंगे। इस तरह 200 से भी ज्यादा लोग बस में सवार होकर के जाएंगे, वहां संसद के बाहर बैठ करके विपक्षी पार्टियों के सांसदों से सरकार को घेर करके हंगामा करने व कानून रद्द कराने की मांग करेंगे। यह सिलसिला लगातार तब तक की चलेगा जब तक संसद का सत्र चलता रहेगा और संसद के बाहर जाकर के विरोध जताएंगे किसान। यहां पर यह बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है, देख सकते हैं कि अब यहां पर किसान संसद कूच करने की तैयारी कर चुके हैं और किसान संगठन ने अपने अगले कदम की कर दी है घोषणा। एक और खबर की तरफ चलते हैं, यूपी विधानसभा चुनाव आता देख आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बदले हैं बोल। आरएसएस प्रमुख ने सभी भारतीयों का डीएनए एक बताया है, बोले इस्लाम खतरे में होने के भय चक्र में ना फंसे मुसलमान। आप लोगों को बताते चले, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। और वह राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा यहां हिंदुस्तान प्रथम विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। और वहीं उन्होंने आगे कहा है कि लोगों में इस आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है कि उनका पूजा करने का तरीका क्या है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिंचिंग यानी कि पीट करके मार डालने की घटनाओं में शामिल लोगों पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे हिंदुत्व के यहाँ पर सख्त खिलाफ हैं, ये यहाँ पर कहना है मोहन भागवत का। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है इस बयान पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, राफेल डील पर राहुल गांधी का पोल, पूछा जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। आप लोगों को बताते चले, फ्रांस के द्वारा भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए की राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच का आदेश दिए जाने के बाद से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल करवाया है और पूछा है कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। आखिर इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, अपराध बोध, मित्रों को भी बचाना है, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, ये सभी विकल्प सही हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले, इस पोल में यहां पर 75,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं अब तक और वहीं 65% लोगों ने 4th ऑप्शन यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं चुना है। और यहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार राफेल घोटाले को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर हैं। एक और खबर जान लेते हैं, राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं शरद पवार, प्रशांत किशोर के साथ चल रहा है लगातार विचार। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा चुके हैं। राजनीति की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि दोनों की यह मुलाकात भाजपा के खिलाफ यहां पर एकजुट विपक्ष के विचार को एक बार फिर से बल देना था। हालांकि बीते एक महीने में हुए घटनाक्रम से ये अटकलें भी लग रही हैं कि शरद पवार खुद को 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग पार्टियों में अपनी पैठ और अच्छे व्यवहार के चलते शरद पवार भाजपा के लिए बड़ी चुनौती भी पेश कर सकते हैं। और वहीं प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि कांग्रेस के बगैर कोई भी मोर्चा बीजेपी को चुनौती दे नहीं सकता है
और यहाँ पर प्रशांत किशोर ने एक बयान भी जारी किया था और कहा था कि 2024 तक सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। आप लोग प्रशांत किशोर की बात से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी ने बंदूक के दम पर जीता है यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव, राकेश टिकैत का सनसनीखेज आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। आप लोगों को बताते चलें, एक टीवी चैनल से बातचीत में टिकैत ने कहा है कि बीजेपी ने यह चुनाव बंदूक के दम पर जीता है। चैनल में बीजेपी की जीत पर डिबेट के दौरान जब टिकैत से पूछा गया कि किसान नेताओं ने तो बीजेपी के बहिष्कार की बात की थी, ऐसे में कहां पर आखिर चूक हुई, तो टिकैत ने साफ कहा कि बीजेपी बंदूक के दम पर चुनाव जीती है और इस चुनाव में विपक्षियों को डराया और धमकाया गया है। टिकैत ने आगे कहा है कि अगर पुलिस बंदूक लेकर के काम करेगी तो देश में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर यह कहना है राकेश टिकैत का। इस दौरान जबरदस्त तरीके से बीजेपी को लिया है निशाने पर। एक और खबर जान लेते हैं। राफेल पर नए खुलासे के बाद पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं सवाल। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे को लेकर के मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। जेपीसी जांच की अपनी मांग दोहराए जाने के बाद यहां पर पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आप लोगों को बताते चलें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, सौदे से जिस देश को फायदा हुआ उसने जांच के आदेश दे दिया, लेकिन जिस देश ने करदाताओं का पैसा गंवाया वह यहां पर चुप है। खेड़ा ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने फ्रांस और कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया है, आखिर क्यों। और वहीं एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग को दोहराया है और कहा है कि जेपीसी की जांच यहां पर होनी चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भ्रष्टाचार, देशद्रोह, सरकारी खजाने को हुए नुकसान से जुड़े राफेल घोटाले का घिनौना पर्दाफाश आखिरकार सामने आ ही गया है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा है कि दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके हैं। फ्रांस में जांच के आदेश के बाद यहां पर लगातार कांग्रेस घेर रही है प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन पीएम मोदी यहां पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिसको लेकर के लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी। और राहुल गांधी तो पहले से ही यही कहते आ रहे हैं कि लगातार यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई। लेकिन जब यहां पर फ्रांस में जज की नियुक्ति की गई इस पूरे मामले की जांच के लिए, अभी यहां पर एक बार फिर से मोदी सरकार घिर चुकी है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। कर्नाटक से दोस्तों बीजेपी के लिए बुरी खबर है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को लगा है बड़ा झटका। कोर्ट ने 15 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में जांच के दे दिए हैं आदेश। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुराने भ्रष्टाचार मामले में जनप्रतिनिधियों से जुड़ी एक विशेष अदालत ने जांच करने के आदेश दिए हैं। आप लोगों को बताते चले, जनप्रतिनिधियों से जुड़ी एक विशेष अदालत ने बेंगलुरु में जमीन को गैर अधिसूचित करने के 15 साल पुराने मामले में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ जांच बंद करने की अनुमति मांगने वाली लोकायुक्त के द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस मामले में येदियुरप्पा के उपमुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान भूमि सौदों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। और अब यहां पर कोर्ट ने 15 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बढ़ सकती हैं सीएम येदियुरप्पा की मुश्किलें। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राफेल सौदे की न्यायिक जांच, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और तत्कालीन रक्षा मंत्री सबसे होगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान सौदे में धांधली की जांच की आंच फ्रांस के बड़े नेताओं पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले की जांच कर रहे जज फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद समेत कई नेताओं से पूछताछ यहां पर कर सकते हैं। यही नहीं, वर्तमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं, पूछताछ की जा सकती है। मैक्रोन सौदे के वक्त वित्त मंत्री थे और यहां पर ओलांद राष्ट्रपति थे। दूसरी ओर भारत में भी इसको लेकर के मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को यहां पर घेरना शुरू कर दिया है और जेपीसी की जांच की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। अधीर रंजन चौधरी का कटेगा पत्ता, थरूर या मनीष तिवारी हो सकते हैं लोकसभा में कांग्रेस के नए नेता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बड़ा कदम उठाते हुए जल्द ही लोकसभा में पार्टी का नेता बदल सकती हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोनिया गांधी
अधीर रंजन चौधरी को पद से हटा करके किसी और को लोकसभा में पार्टी की नेता की बागडोर यहां पर सौंप सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में जल्द होने वाले कई बदलावों में से यह भी एक होगा बदलाव जो संसद के मानसून सत्र से पहले सामने निकल के आया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।